टॉटर ऑकर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये वीडियो टॉपिक्स जिन पे आज हम बात करने वाले, इंट्रोडक्शन, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी फीचर्स, कलर्स ऑप्शन, इंजन ऑप्शन, प्राइस और इसके राइवल्स फाइनली, और कार है हमारे पास ह्यूंडई वर्ना 2021। सो ह्यूंडई वर्ना बहुत सालों पहले लॉन्च हो चुकी थी इन इंडिया और ये पहले से ही बहुत अच्छी डिमांड में रही है और टॉप सेलिंग कार में भी इसका नाम आ चुका है और बहुत अच्छी लगती है कार दिखने में, और मेनली ये दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है, बट इसकी जो कूपे लाइट डिज़ाइन है वो इसको राइवल से बिल्कुल अलग डिज़ाइन में बनाती है। एक्सटीरियर से पहले हम बात करते हैं, एक्सटीरियर में आप देख सकते हो इसका स्टनिंग लुक आपको देखने मिल जाएगा जो कि बहुत फ्रेश लुक है। LED हेडलैम्प्स आपको देखने मिल जाएंगे डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ, प्रोजेक्टेड फॉग लैम्प्स। फ्रंट की अगर हम बात करें तो न्यू क्रोम के आपको डिज़ाइन दिखने मिल जाएगी ग्रिल पर, और टर्बो में इसकी दूसरी टाइप का आपको ग्रिल दिखने मिल जाएगी जो कि ब्लैकआउट हो चुकी है, क्रोम नहीं आता उसमें। ग्रिल की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली LED आपको हेडलैम्प देखने मिल जाएंगे जैसे कि हमने बात की। फ्रंट से आपको कारी बहुत ही अच्छी लगती है, आपको कैसा लगा फ्रंट लुक कमेंट कर देना बिलो। साइड की अगर हम बात करें तो आपको विंग मिरर देखने मिल जाएंगे जो कि ड्यूल टोन होने वाले हैं। विंडो सराउंडिंग में आपको क्रोम की लाइन दिखने मिल जाएगी। 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपको कैसे लगे व्हील्स कमेंट कर देना बिलो, मुझे तो ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर हम बैक की बात करें तो बैक में आपको शार्कफिन एंटीना, LED टेल लैम्प्स और डिफ्यूजर लाइक ट्रीटमेंट आपको बॉटम में देखने मिल जाएगा जो कि रिफ्लेक्टर के नीचे आप देख सकते हो, और क्रोम की जो लाइन है रिफ्लेक्टर्स के सराउंडिंग में वो भी बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसा लगा इसका बैक लुक और साइड लुक फ्रंट लुक कमेंट कर देना बिलो। और अगर हम रूफ़ की बात करें तो रूफ पर आपको सनरूफ देखने मिल जाएगा शार्कफिन एंटीना जैसे कि हमने बात की। बहुत सारे फीचर्स के साथ कार साथ आती है, उस फीचर्स के बाद हम आगे करेंगे, पहले हम बात करेंगे इंटीरियर की। तो इंटीरियर में आप देख सकते हो पेज कलर का ड्यूल टोन आपको इंटीरियर देखने मिल जाएगा, पेज एंड ब्लैक, आपको कौन सा अच्छा लगा कलर कमेंट कर देना। और टर्बो में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर देखने मिल जाएगा जो कि रेड सराउंडिंग्स के साथ आपको देखने मिल सकता है, या रेड एलिमेंट्स आप जो बोलो वो। आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें देखने मिल जाएंगे जैसे कि 8 इंच की टचस्क्रीन विथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, कूल ग्लोव बॉक्स, सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट ट्रंक, मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे इन द कार जो कि आप एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इन द राइवल्स। और सेंटर में आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट देखने मिल जाएंगे, इसमें कोई भी एयर प्योरीफायर वाली चीज़ नहीं आती, सो आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट देखने मिल जाएंगी मैनुअली, एडजस्टेबल सीट्स, ड्राइवर सीट्स, क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ और उसके कंट्रोल्स आपको स्टेयरिंग व्हील पर देखने मिल जाएंगे। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वायरलेस चार्जिंग इसमें देखने मिल जाएगा। और आपको फ्रंट की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको टर्बो की ये जो सीट्स है आप देख सकते हो, टर्बो की सीट्स आपको रेड एलिमेंट्स के साथ देखने मिल जाएंगी जो कि ऑल ब्लैक होने वाली है। फ्रंट में आपको बहुत अच्छी खासी कम्फर्ट मिल जाता है दोनों ही सीट्स से। बैक की अगर हम बात करें तो बैक में आपको थोड़ा कम कम्फर्ट देखने मिल जाएगा क्योंकि ये सीट्स लेग रूम और हेड रूम थोड़ा कम है वरना में, क्योंकि ये कूपे लाइक डिज़ाइन के साथ आती है। इसके राइवल्स की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा स्पेस आती है, जैसे कि हम सिटी की बात करें, CS की बात करें तो उसमें ज़्यादा स्पेस आपको देखने मिल जाएगी। रियर में आपको AC वेंट्स देखने मिल जाएंगे। और इंजन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डीजल पेट्रोल टर्बो पेट्रोल इंजन, तीन इंजन ऑप्शन के साथ कार आती है। टर्बो पेट्रोल जो कि एक न्यू इंजन है वरना में, डीजल आपको पहले भी मिलता था, पेट्रोल भी आपको नेचुरली एस्पिरेटेड देखने मिल जाएगा, मुझे तो डीजल बहुत अच्छा लगता है, आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट कर देना बिलो। गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स आपको तीन देखने मिल जाएंगे, CVT गियर बॉक्स, सॉरी DCT गियर बॉक्स, 7-speed DCT मैनुअल गियर बॉक्स जो कि स्टैंडर्ड है, और टॉक कन्वर्टर का 6-speed यूनिट आपको देखने मिल जाएंगे इन द कार पेट्रोल एंड डीजल दोनों में। टर्बो पेट्रोल में आपको 7-speed DCT आएगा। अगर हम बात करें तो इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे आते हैं जैसे कि आइसोफिक चाइल्ड माउंट और रिवर्स पार्किंग कैमरा, NTPG ड्राइविंग साइड विंडो, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, 6 एयरबैग्स, ESP, ABS आपको सब देखने इसमें मिल जाएगा। और एक्स्ट्रा अगर हम फीचर्स की बात करें तो स्मार्ट ट्रंक, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग IRVM, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डीफॉगर और रियर AC वेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे इन द कार। टर्बो की स्पेसिफिकली बात करें तो आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में देखने मिल जाएंगे, पेडल स्विफ्टर्स, 7-speed DCT गियर बॉक्स, ड्यूल टिप एग्जॉस्ट आपको देखने मिल जाएंगे, ऑल ब्लैक इंटीरियर। सो ये था कुछ वरना टर्बो के बारे में। कलर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको टर्बो की कुछ अलग कलर ऑप्शन देखने मिल जाएंगे जो कि
आपने आगे देख लिए होंगे। कलर्स की अगर बात करें तो 6 कलर ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं इन द कार। आपको कौन सा कलर अच्छा लगा? मुझे तो ब्लू और ब्लैक बहुत ही अच्छा लगा। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट कर देना बिलो। प्राइस की अगर हम बात करें तो न्यू प्राइस है वो वडोदरा के अकॉर्डिंग है, न्यू 9 लाख से लेकर 15 लाख तक एक्सट्रो में जाती है कार। मुझे तो 1.5 डीजल 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स बहुत ही अच्छा लगा, ये जो वेरिएंट है मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कौन सा वेरिएंट अच्छा लगा कमेंट कर देना बिलो। और Hyundai Verna राइवल होती है मारुति सुजुकी सीएस, होंडा सिटी, रैपिड, वेंटो, टोयोटा यारिस जो कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है, और ऐसी बहुत सारी गाड़ियों के साथ ये कम्पीट करती है। आपको कौन सी गाड़ी इसमें से अच्छी लगी कमेंट कर देना बिलो। और अगर हम वरना की बात करें तो आपको इसमें ब्लूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने मिल जाएगी जो कि एक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है। आपको कैसी लगी वरना अच्छी लगी हो तो केवल लाइक टू द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो अभी आप लाइक कर सकते हो और शेयर कर देना आपकी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, सो वो भी इस वीडियो को देख सकते। और न्यूज़ और अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम के ग्रुप को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे भी और ब्लॉगर पे भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको देखने मिल जाएगी। आई बटन में चेकआउट कर सकते हो न्यू वीडियोज़ के बारे में, उधर वीडियोस अपडेट होते रहते हैं। और एंड स्क्रीन के एलिमेंट्स को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो गिव अ लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हो आप जाके यूट्यूब पर, और सेकेंड चैनल को भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैव अ नाइस डे।